हेलो फ्रेंड्स, आज के नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। आपको सबको पता है कि मैंने गोप्रो लिया हुआ है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो गोप्रो और मोबाइल ब्लॉगिंग में क्या डिफरेंस होता है वीडियो क्वालिटी में, उसके बारे में आज हम टेस्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि वो मोबाइल से जो वीडियो लेते हैं उसका क्वालिटी कैसा होता है, और गोप्रो से जो मैं वीडियो उतारता हूँ, वीडियो निकालता हूँ, उसका वीडियो क्वालिटी कैसा होता है। तो एक अच्छी जगह पे जाएंगे और वहां पे वीडियो टेस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गार्डन में आए हैं, वसई महानगर पालिका म्यूनसिपाल्टी गार्डन। तो थोड़ा शांत लोकेशन है यहाँ पे, आपको बताता हूँ। ये मैं जो ले रहा हूँ वो गोप्रो से ले रहा हूँ, जो शूटिंग हो रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि कितना वाइड मेरे आजू बाजू में आपको ये सारा चीज़ आपको दिखता होगा। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया है, यहाँ पे खेल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरा जो है ये आर्टिफिशियल लेक बनाया हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से। ये जो फ्रेम है ये गोप्रो का सुपर वाइड व्यू है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे पूरा कितना बहुत सारा एरिया कैप्चर होता होगा। तो ये सुपर वाइड व्यू है गोप्रो का, यही गोप्रो का बेनिफिट है जिसकी वजह से लोग गोप्रो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। छोटू सा रहता है और बहुत सारा आजू बाजू का जो एरिया है वो कैप्चर करता है। तो ये है गोप्रो का वीडियो क्वालिटी सुपर वाइड में। बचपन याद आ गया है। थोड़ा अभी झूले में बैठ के टाइम पास करते हैं। फ्री का झूला, फ्री में। आनंद तो के जालो, आपा तो कोई आलो है ना। ओ टूटे टूटे। टूटे ला है निकल। धीरे रेन उतर जा। ओली बाजू थी। अभी आप गोप्रो का टाइम लैप्स, टाइम रैप जो भी बोलते हैं वो एंजॉय कीजिए। मैं अभी अच्छा मस्त टाइम लैप्स और शूट किया है, तो आपको स्लो मोशन बहुत मज़ा आएगा। ये है मोबाइल का फ्रंट कैमरा का, बहुत सारे जो
स्टार्टिंग करते हैं ना ब्लॉगिंग वगैरह, तो मोबाइल के फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट करते हैं। तो मोबाइल से फ्रंट कैमरे से कुछ ऐसा सैंपल होता है वीडियो का, और आप देख सकते हैं थोड़ा मेरा जब मैं वॉक करता हूँ तो मोबाइल थोड़ा शेक करता है। और दूसरा है कि जब भी आप देखते हो ना आगे, तो आपका जो आई कॉन्टेक्ट है वो नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से फ्रंट कैमरे से तो कभी भी मोबाइल के वीडियो नहीं करने चाहिए। आपको सैंपल में दिखता होगा कि थोड़ा जब भी मैं वॉक करता हूँ तो उसमें शेक आता होगा। यहाँ से रोड भी एकदम नज़दीक है, और ये मेरे मोबाइल का बैक कैमरे का वीडियो सैंपल है। आप देख सकते हैं बैक कैमरा से कितना अच्छा क्वालिटी आता है कंपेयर टू फ्रंट कैमरा। तो ऑलवेज़ आप बैक कैमरा से यूज़ कीजिए। बैक कैमरा यूज़ करने से आपका जो व्लॉगिंग है वो मोबाइल से भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का व्लॉगिंग आप कर सकते हैं। इसमें मैंने वाइड एंगल यूज़ नहीं किया है, ये नॉर्मल मोड में है। मैं आपको वाइड एंगल अभी मोबाइल से शूट करके बताता हूँ। ये है वाइड एंगल मेरे मोबाइल कैमरा से। वाइड एंगल में इतना वाइड मोबाइल से भी आजकल आप शूट कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने आप को शूट कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा आप जब वॉक करते हो तो थोड़ा अनस्टेबल आपको दिखता होगा कंपेयर टू गोप्रो। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग, तो आपके लिए मोबाइल बेस्ट है। मोबाइल से शुरुआत कीजिए और बैक कैमरा यूज़ कीजिए, ना कि फ्रंट कैमरा, सेल्फी कैमरा। बैक कैमरा से बहुत ही अच्छा वीडियो आपके मोबाइल से निकलेगा, बिकॉज़ आजकल के मोबाइल के जो कैमरा है वो बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए मोबाइल व्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर से बताना। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल से वीडियो का क्वालिटी कैसा आता है और गोप्रो से वीडियो कैसे बनता है। तो आपके पास जो भी इक्विपमेंट है उससे स्टार्ट कीजिए, व्लॉगिंग कीजिए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।